आजकल दांतों की प्रॉब्लम्स बढ़ती ही जा रही है और इन पर ध्यान देने की जरूरत है। पेश है सिराज डेंटल क्लिनिक, वन ऑफ द बेस्ट डेंटल सर्विस इन अमृतनगर मुमरा, वो भी आपके बजट में। स्पेशलिस्ट इन टीथ वाइटनिंग, रूट कैनल, टीथ इम्प्लांट एक्सट्रैक्शन, अल्सर्स, ब्रेसेस, ब्रिज एक्सरे, फुल माउथ डेंचर। सीवियर ओरल प्रॉब्लम के लिए सर्जन भी अवेलेबल है विद लेटेस्ट टेक्नोलॉजी इक्विपमेंट्स एंड मशीनरीज। ओरल केयर एडवाइस, एंटी टोबैको एंड कैंसर अवेयरनेस विद एक्सपर्ट डॉक्टर रिदा इफत, डॉटर ऑफ डॉक्टर शिराज खान। सिराज डेंटल क्लिनिक, जहां हर मुस्कान अनमोल है। महेश रामुद्दीन खान और आप देख रहे हैं प्रहार। मुमरा शहर में आज अचानक से खासदार श्रीकांत शिंदे का दौरा हुआ और श्रीकांत शिंदे आज शिवसेना शाखा पर पहुंचे। आपको बता दें कि शिवसेना शाखा का अभी काम शुरू ही है, लेकिन आज श्रीकांत शिंदे ने पहली बार इस शाखा पर विजिट किया। दरअसल श्रीकांत शिंदे ने बताया कि मुमरा शहर में क्लस्टर योजना के तहत सर्वे शुरू किया गया है और जल्द ही क्लस्टर योजना के तहत मुमरा शहर में काम किया जाएगा। जिस तरह से ठाणे में हो रहा है, उसी तरह से मुमरा शहर में भी होगा। इसके अलावा श्रीकांत शिंदे ने बताया कि मुमरा रेलवे स्टेशन पर जिस तरह से ट्रेनों की मांग की जा रही है कि स्लो ट्रेन के अलावा फास्ट ट्रेन भी सुबह के वक्त छोड़ी जाए, श्रीकांत शिंदे का कहना है कि उनके तरफ से भी दीवा में जिस तरह से ट्रेन छोड़ी जा रही है फास्ट, उसी तरह से सेमी फास्ट ट्रेनें मुमरा रेलवे स्टेशन से भी छोड़ी जाए, इसके लिए उनके तरफ से पत्र व्यवहार किया जा रहा है। इसके अलावा मुमरा शहर में प्लेग्राउंड को लेकर भी काफी हंगामा मचा हुआ है और प्लेग्राउंड को लेकर भी श्रीकांत शिंदे ने क्या कुछ कहा और रेलवे स्टेशन से ट्रेन छोड़ने के मामले को लेकर और क्लस्टर योजना के बारे में क्या कुछ मीडिया से बातचीत करते हुए श्रीकांत शिंदे ने कहा है, आपको सुनाते हैं। सर, आज आप हिंदी शाखा पर विजिट किए हैं, अभी शाखा का काम चालू है, क्या विजिट किया, अचानक दौरा हुआ आपका? वहाँ पे आया था, मेरे साहब ने बोला कि यहाँ पर थोड़ा एक विजिट करने थे, यहाँ पर शाखा का विजिट करने यहाँ पर आया। मुमरा शहर में कल सर्वे किया जा रहा है, कलेक्टर योजना को लेकर मुमरा में किस तरह का सर्वे चल रहा है, उसके बारे में मुझे लगता है कि क्लस्टर योजना हमारे महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री शिंदे साहब का ड्रीम प्रोजेक्ट है और जिस तरीके से क्लस्टर डेवलपमेंट जो है फाइनल है, अगर आप देखोगे वहाँ पर तो थाने में क्लस्टर का काम जो है वो शुरू हो चुका है। लोगों को जो लोग इलीगल या घरों में रहते थे, जो बिल्डिंग जो है जर्जर हो चुके थे, लोगों को खुद का घर जो है एक हमेशा परिवार का सपना रहता है कि खुद का घर जो है, अधिकृत घर जो है हमारा यहाँ पर होना चाहिए। वो सपना जो है पूरा करने के लिए जो है माननीय मुख्यमंत्री मोदी जब से हमदर्द थे तब से वो उसका फॉलोअप कर रहे थे कि क्लस्टर डेवलपमेंट जो है हमारे थाने में जल्द से जल्द हो, तो वो क्लस्टर डेवलपमेंट जो है वो थाने में मंजूर हो गई और उसका काम देखिए वहाँ पर शुरू हो गया है। आज अगर आप देखोगे तो वहाँ पर जो है लोगों को खुद का घर जो है, खुद का लीगल घर वहाँ पर मिलेगा। यहाँ पर भी मुमरा में भी यहाँ पर क्लस्टर डेवलपमेंट जो है लागू है, यहाँ पर भी मुझे लगता है कि सर्वे यहाँ पर चालू है। तो मैं लोगों को भी दरख्वास्त करता हूँ कि जैसे थाने में हम लोगों को अपना सपनों का, अपना अधिकार का घर, लीगल घर देने का काम करते हैं, वैसे ही मुमरा की जनता को भी जो है आने वाले समय में इस क्लस्टर योजना के माध्यम से खुद का लीगल घर जो है यहाँ पर मिलेगा। इंप्लीमेंट कब तक होगा सर उसका? हाँ सर, अरे बोलने तो दो यार। ग्राउंड को लेकर काफी हंगामा मचा हुआ है, विधायक जितेंद्र रावत वहाँ पहुंचे थे, ग्राउंड का गेट वगैरह भी तोड़ दिया गया है और ऐसा बताया जा रहा है कि ये यहाँ पर बिल्डिंग बनेगी, लेकिन विधायक की तरफ से कहा जा रहा है कि ये खेल का मैदान है, क्या उसकी हकीकत है, आपके संज्ञान में क्या मामला है? मुझे लगता है खेल का मैदान वहाँ पर, लेकिन इस बारे में जो है उसकी इन्फॉर्मेशन जो है यहाँ पर लूँगा और उसके बाद जो है उसके ऊपर मैं वक्तव्य कर सकता हूँ। इसके पहले अभी मुझे कुछ लोगों ने यहाँ पर बताया कि ऐसा ऐसा बात वहाँ पर हुआ है, वहाँ पर इन्फॉर्मेशन देने के बाद ही उस पर खेल का मैदान बनेगा या और कुछ बनेगा, उसके ऊपर टिप्पणी जो है हम लोग कर सकते हैं। लेकिन सर, ये जो क्लस्टर योजना जो है, ये क्लस्टर योजना जैसे आप देखोगे कि थाना में कुछ क्षेत्रों में जो है वहाँ पर किशन नगर हो, काबोली हो, वहाँ पर शुरू हो चुकी है,
वैसे जल्द से जल्द जैसे सर्वे हो जाएगा वैसे यहाँ पर भी जो है उसका इम्प्लीमेंटेशन का काम जो है यहाँ पर होगा। और ये क्लस्टर योजना जो है ये सिर्फ बिल्डर ड्रिवन या रियल इस्टेट ड्रिवन प्रोग्राम नहीं है, जैसे इशारे होता है यहाँ पर जो है सरकार भागीदार जो है इसमें है, सरकार जिम्मेदारी जो है वो लोगों की यहाँ पर ले रहा है, तो लोगों को जो है आश्वासित में यहाँ पर करता हूँ और लोगों को जो है सरकार पर भरोसा करके जो है इस क्लस्टर योजना। सर भरोसे की बात आप कर रहे हैं, 2009 से मुंबरा शहर में एक तीसरे प्लेटफॉर्म की बात चली थी, वो अब कहीं जाके शहर को मिला है, उसमें भी शिकायतें हैं कि यहाँ पर ट्रेनें बराबर नहीं आती, तो एक क्लस्टर डेवलपमेंट का सपना कब तक पूरा होगा सर? मैंने आपको कहा कि क्लस्टर डेवलपमेंट का सर्वे यहाँ पर शुरू हो चुका है, जल्द से जल्द जो है मुझे लगता है कि यहाँ पर वहाँ पर काम जो है क्लस्टर का शुरू हो जाएगा। आप अगर चाहते हो तो थाने में जाकर किस प्रकार की डेवलपमेंट वहाँ पर क्लस्टर की हुई है उसका जाकर आप। सर आखिरी सवाल रेलवे स्टेशन को लेकर काफी चर्चा है, फास्ट ट्रेनों की सेमी फास्ट ट्रेनों की रुकने के वहाँ पर सुबह के बाद मांग हो रहा है, तो यहाँ पर अगर आप देखोगे इस पूरे कल्याण लोकसभा क्षेत्र में 10 से ज्यादा स्टेशन यहाँ पर है सेंट्रल रेलवे के, और गए 10 सालों में जो बदलाव इन सभी स्टेशनों पर आया है मुझे लगता है कि आप सभी लोग उसके साक्षीदार हो। पहले की परिस्थिति आज की परिस्थिति में बहुत ज्यादा अंतर है, वहाँ पर FOPs हो चुके हैं, वहाँ पर एस्केलेटर्स हुए हैं, लिफ्ट हुए हैं, अलग अलग स्टेशन पे जो है आप देखोगे बड़े पैमाने पर जो है वहाँ पर टॉयलेट्स भी हुए हैं, तो ये और पांचवी और छठी लाइन फिफ्थ और सिक्स लाइन जो गए कई वर्षों से 30-35 सालों से लोग खाली सुन रहे थे, उसको भी पूरा करने का काम हम लोग ने यहाँ पर किया, लोगों को जो है पांचवी और छठी लाइन जो है पूरा होने के बाद जो है एडिशनल सर्विसेज वहाँ पर मिली और लोगों को वहाँ पर सुविधा मिल रही है। दिवा में लोग जो है वो पांच लोकल की वहाँ पर कर रहे थे, दिवा में हम लोग ने पांच लोकल रुकाने का काम वहाँ पर किया, अभी दिवा में मांग है कि दिवा पांच वहाँ पर शुरू करें, वैसी मांग जो है मुझे लगता है मुंबरा में भी है, मुंबरा में भी पांच लोकल शुरू होनी चाहिए, तो उसका भी फॉलोअप जो है हम लोग कर रहे हैं, जल्द से जल्द जो है ये लोगों की मांग है।